इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड दो से प्रतिलेखन संख्या 17 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसकी स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। यदि आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, गलतियों को कम करना चाहते हैं, तो आज ही हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हों या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। मेरे द्वारा एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो की बुक भी तैयार हैं, उनकी मैंने आउटलाइन की बुक भी तैयार की है और उनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनको आप ले सकते हैं। उनसे भी आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे बुकों को परचेज करना है और कैसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है। ये अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। बहनों, भारतीय स्त्री जाति की प्राचीन गौरव गरिमा एवं उच्च परंपराओं को ध्यान में रखकर न केवल आपको शिक्षित होना है, बल्कि शिक्षा समाप्त करने के पश्चात पुरुषों के साथ सहगामिनी बनकर आपको सब दिशाओं में कदम बढ़ाना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब राष्ट्र के नवनिर्माण के कार्य में आपको भी उचित रीति से भाग लेना चाहिए। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमियों एवं दोषों को दूर कर उसको अपने अनुकूल एवं उपयोगी बना सकेंगे। इस संबंध में भी देश में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। आधुनिक सुधारवादियों या जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, उनकी धारणा यह है कि बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाए और दोनों की शिक्षा प्रणाली एक सी हो। उनका यह भी विचार है कि स्त्रियों को न केवल शिक्षा पद्धति में ही बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पुरुषों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए तथा उन्हें संपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें समाज के समस्त व्यवसाय और व्यापारों में समान रूप से भाग लेना चाहिए और शिक्षा प्रणाली की रचना इन सब के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी ओर कट्टरपंथियों के विचार इनके विपरीत हैं। इस प्रकार स्त्री शिक्षा और अन्य बातों के संबंध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। इन दोनों में से कौन सी विचारधारा उपयुक्त हो सकती है और किसके द्वारा हमारी संस्कृति एवं सभ्यता फल फूल सकती है, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाना श्रेयस्कर होगा। पैराचेंज। वर्तमान शिक्षा पद्धति के आदर्श एवं उद्देश्यों में जो दोष पाए जाते हैं, उनके अतिरिक्त वह बहुत महंगी सिद्ध हो रही है। प्रतिवर्ष हम अपने शिक्षालयों द्वारा हजारों विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, जिनमें से बहुतों को नौकरियां न मिलने पर जीविका चलाना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार हम अपने शिक्षालयों द्वारा जहां काफ़ी संख्या में विद्यार्थी बेकार तैयार होते देखते हैं, वहां फैशन परस्त भी तैयार होते देखते हैं। हमारे साधारण ग्रस्त घरों की लड़कियां जब प्रारंभ में आधुनिक शिक्षालयों में प्रवेश पाती हैं, तो धीरे धीरे वे भी वहां की फैशन परस्ती की शिकार हो जाती हैं
और सुंदर सुंदर बहुमूल्य साड़ियाँ एवं भांति भांति की साज श्रृंगार की वस्तुओं की नकल करने लगती हैं, जिससे अपने माँ बाप या अभिभावकों को पर्याप्त मात्रा में व्यय करने के संकट में डाल देती हैं। ऐसी शिक्षा प्राप्त कर जब वे स्कूल या कॉलेज छोड़कर जाती हैं तो उनका जीवन भार स्वरूप होने का भय रहता है, क्योंकि जीवन के कार्य क्षेत्र में वह अपव्ययी शिक्षा पद्धति धनोपार्जन के उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती। यह नौकरी की आशा भी पूरी नहीं कर सकती और अंत में यह शिक्षा उनके लिए निकम्मी मालूम पड़ती है। इसलिए हमें सचेत होकर सोचना है कि क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति ही हमारे लिए उपयुक्त है, फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।